लोगों को चलना पड़ता था। बहू बेटी घर में रहती थी, निकल नहीं पाती थी। अपराध चरम सीमा पर था, जिसका आज मिसाल दिया जाता है। अगले 40 सेकंड भाजपा के लिए। विकास, विकास और विकास, बस यही मुद्दा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। वो कह रहे हैं कि नागरी हुआ है, यही हुआ है। 70 साल में भारत ने जिस त्रासदी को झेला है ना, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और देश के बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज बिहार आगे बढ़ रहा है। हम सिर्फ सपने की बात नहीं करते हैं, हम हकीकत करते हैं। आज बिल्डिंग बनिया है, देखिए मेडिकल कॉलेज देखिए। बोलिए। मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ भैया जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपने अभी जो भारत के पटल पर पूर्णिया का सीट है उसको कवरेज करने का काम किया और पूर्णिया की आवाज को पूरे देश में आपने दिखाने का काम किया, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं बताऊं वही हुआ ये क्यों कैसे। जब मैं दिल्ली से चला तो किसी ने कहा अपनी पार्टी हमने, किसी ने क्यों आप जानते हैं, अपनी पार्टी कांग्रेस में हमने विलय कर दी। तो लगा कि अब तो चुनाव बड़ा जबरदस्त हो गया, वहां पे बड़ा जबरदस्त चुनाव होगा, लेकिन पार्टी तो चली गई लेकिन वो अलग हो गए। ये कैसे हुआ जनाब अली? तो ये खेल था जिसने पूरे देश के मैप पे पूर्णिया को इस समय केंद्रित कर दिया। बहुत जल्दी बात करिए, क्विक। हमारी बहन या बेटी अभी बता रही थी कि किसी भी काम को पूरा होने में थोड़ा समय लगता है। हाँ। मैं उसे धन्यवाद देता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के भी जो प्रतिनिधि है वो कह रहे थे कि विकास की बात, पूर्णिया खास करके लोकसभा, भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के समर्थित जो सांसद हैं वो 20 साल से है, 2004 से 2014 तक पप्पू सिंह उर्फ उदय सिंह भाजपा से, और 2014 से लेकर के अभी तक जो जदयू से सांसद है संतोष कुमार कुशवा, भारतीय जनता पार्टी से समर्थित एनडीए प्रत्याशी। तो 20 साल क्या पर्याप्त नहीं होता है विकास के लिए? क्या 20 साल पर्याप्त नहीं होता है? 40 सेकेंड कांग्रेस के। देखिए, देश में दो विचारधारा की लड़ाई चल रही है और अब समय आ गया है कि जो देश तोड़ने की बात करते थे और हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी देश जोड़ने की बात करते हैं, तो तमाम समाज इस बार एकजुट होकर इस इंडिया अलायंस के साथ खड़ा है। और सबसे बड़ी बात, हम युवा हैं और रोजगार की बात करते हैं। पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से पढ़े लिखे युवाओं को सड़क पर लाने का काम किया है इस मोदी सरकार ने, तो उसके खिलाफ पूरा युवा सरकार एक है और इस सरकार को गद्दी से उतारने का काम करेगा। जब से रोजगार की बात करते हैं तो यही मोदी सरकार हमें पकौड़ा तलने का काम करता है कि पकौड़ा तलो, वो भी एक रोजगार है। मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक सवाल है बस, बाकी कोई सवाल नहीं है मेरा, बाकी आप कहें तो शो भी बंद हो सकता है। बस एक सवाल, जितवाएंगे किसको? पार्टी 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 चली गई कांग्रेस में, वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, वहां पे आरजेडी है, INDIA का हिस्सा है। तो भैया सवाल जयवर्धन यही है कि जिताएंगे किसको? निश्चित रूप से हमारी जो कैंडिडेट है इंडिया अलायंस की, श्रीमती बीमा भारती जी, उनके लिए तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता एक मंच पे खड़े हैं, क्योंकि वो 5 बार से निर्दलीय जीती और वो इस पूर्णिया की बेटी है, बाहर से नहीं आई है, वो पूर्णिया की बेटी है और उसके पास अपना बहुमत है। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, और जिसकी बात आप कर रहे हैं कि कांग्रेस में आया है, वो सारा एक नाटक प्रायोजित कार्यक्रम था। क्या उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली थी? क्या ली थी? आप सच बताने का काम करेंगे? कहने लगे, ये तो प्रवक्ता बताएंगे। आराम से आराम से आराम से मैं आ रहा हूं। आपको बोलने का मौका दूंगा, मैं बोलने का मौका दूंगा। एक सवाल रखा कांग्रेस के प्रवक्ता ने, जी कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक सवाल रखा कि जो कुछ भी पप्पू यादव जी ने किया वो सिर्फ एक ढकोसला था, शब्द इस्तेमाल किया ढकोसला, कि वो एक सिर्फ ढकोसला था। 40 सेकंड
पप्पू यादव जी के प्रवक्ता के बाद। जी देखिए, ढकोसला बोलने वाला उसका कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरी बात, पप्पू यादव सेवा, समर्पण, विकास, सहयोग करके वो पूर्णिया का मसीहा बन चुका है, उसको ढकोसला कौन कह सकता है। चचा मुझसे मेरा भी एक सवाल है आपसे, जीतेंगे कैसे? ऐसा ना हो कि बिल्ली रोटी खा जाए। जीतने का मेरा सेवा माध्यम है, हमने सेवा किया है, लोगों के दुख दर्द में खड़ा रहा है, हर हमेशा हर चौक जहां पर जो जिसको दिक्कत हुआ है, जो जिसने जहां पुकारा है उसका मदद के लिए अब आया। जी जनाब, 2000 के 2014 में आप मधेपुरा के सांसद हुआ करते थे, मधेपुरा की जनता ने आपको 2019 में खदेड़ कर भगा दिया, 2020 में आपने विधानसभा चुनाव लड़ा, वहाँ भी आपकी जमानत जब्त हो गई, अब नहीं चलेगा गुंडा राज, अब नहीं चलेगा गुंडा। हाँ जी बोलो भैया जी, सबसे बड़ा रोजगार देखे पलायन लॉकडाउन में करते करते बच्चा मर गया, मगर कोई बॉस नहीं दिया, सोनू सूद किया बिहार के लिए, वो मसीहा था उस समय लॉकडाउन में, पलायन करते करते कोख में या बथी में सारा बच्चा मर गया, ट्रक से आने में कितना कुचला गया, रोजगार कोई नहीं दे रहा बिहार में। मैं पूछना चाहता हूँ सारे सरकार से और सारे मंत्री विधायक, अंदर आओ। क्या नाम? मेरा नाम राजेश सनी है, मैं ओल्ड रिवर वे फेडरेशन से जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, हल्का आदमी कोई होता ही नहीं यहाँ पे, क्या क्या है आप? जिला अध्यक्ष है ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन से। ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन, पूरे लॉकडाउन में सबसे ज्यादा अगर कहीं से लोग आए तो कटिहार, पूर्णिया। सबसे बड़ा लॉकडाउन में हम लोग सहयोग किए हैं, जो कोरोना काल में जान न होती दे के सभी पब्लिक को जान बचाए हैं, मगर मेरा अधिकार को हनन किया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ सारे नेता से, बिहार में उद्योग क्यों नहीं हुआ? बिहार में ये पूर्णिया की बात है, पूरा सीमांचल कोसी जो नहीं देख लीजिए, पूर्णिया हेड है, इस पूर्णिया को विशेष राज्य का दर्जा और उप राजधानी का क्यों नहीं मिला? आशा नमस्ते, क्या कर रही हैं? सर मैं जनरल कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रही हूँ। जनरल कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रही हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत मंगल कामनाएं आपको। किसके साथ आई है? सर पापा और मम्मी। मेरे पापा और मम्मी के साथ आए, बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी बेटी बड़ी होनहार है, देखा पीछे खड़ी है चुपचाप। हाँ जी, बिहार का व्यवस्था सही नहीं है सर। आए युवा ही तो, आजकल के युवा ही तो हमारे देश के भविष्य है, और उसको परीक्षा जो देता है वो रिजल्ट 4 साल 5 साल 3 साल लगा देता है, कितना गलत बात है सर। आप आगे 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 आगे। हाँ जी हाँ जी सर, जनरल कॉम्पिटिशन। एक मिनट सर, एक तो एग्जाम टाइम पे नहीं लेते हैं, या तो वो पोस्टपोन्ड होता है, जो डेट दिया हुआ रहता है तो एक्सटेंड कर दिया जाता है कुछ ना कुछ बोलकर। जैसे अभी इलेक्शन होने की वजह से, जैसे मैंने SBI का दिया था मेंस, तो ये बोला जा रहा है कि जून में उसका रिजल्ट आएगा, जो कि इधर ही आ जाता तो ज्यादा सही रहता सर। तो ऐसे ही करके जैसे RRB में सर, रेलवे जो सेंट्रल जॉब है सर, 2019 का